ठीक है आप लोग को बस खाली एक बार बता दीजिए माई वॉइस इज ऑडिबल ना यू कैन शो थम्स अप दे इज अ थम्स अप यू कैन शो दैट बस बस ठीक है ठीक है समझ में आ गया मेरे को नाउ ओके इट्स डन नाउ सबसे पहले सी बी वन बहुत इजी पेपर है ये एकदम दिमाग में डाल लो राइट right? इसमें कोई डिफिकल्टी uh, वाला पार्ट नहीं है थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अगर कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले के लिए इट इज नॉट अ चैलेंजिंग जॉब ठीक है और अगर कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो सकता है एंड इफ यू रेगुलरली स्टडी यू विल बी एबल टू कोप अप ऐसा कोई बात नहीं है अगर मैं सी वन वाले पेपर को एज अ कॉमर्स स्टूडेंट देखूँ तो आई विल फाइंड दैट देर आर फोर फाइव सब्जेक्ट पेपर को बनाया गया है बेसिकली दिस पेपर गिव्स यू एन आइडिया कि हाउ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस आर कंडक्टेड हाउ द फाइनेंशियल लुक हाउ टू मैनेज द फाइनेंस ऑफ द कंपनी लॉड ऑफ थिंग्स राइट दे फोकस ऑन लॉड ऑफ थिंग्स दिस पर्टिकुलर पेपर अगर कोई कॉमर्स स्टूडेंट अपनी नजरिए से देखेगा so it is combining four five papers we will, we will study a bit of taxation also right so a lot of things are covered in this cb1 paper so if I talk about, uh, we'll be talking about accounting part uh, we'll be talking about cost and management accounting we'll be talking about um, financial management which is managing the finance of the company. We'll be talking about taxation, then different forms of reporting, right? We'll be talking about a lot of reporting also. Okay. So, reporting is basically part of this accounting. हम लोग अकाउंटिंग तो सीखेंगे साइड बाय साइड वी विल आल्सो लर्न रिपोर्टिंग एज वेल सो अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं तो अगर मैं जब इस पेपर को पढ़ूंगा तो आई कैन इजीली गेट एन आइडिया कि फोर फाइव सब्जेक्ट्स मिला के एक सब्जेक्ट बनाया गया है इसे इसका नाम है बिजनेस फाइनेंस बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालते हैं हाउ टू फाइनेंस द बिजनेस वेयर टू इन्वेस्ट राइट उसका रिस्क रिटर्न एनालिसिस करते हैं एज यू माइट हैव डन इन एनपीवी एनालिसिस जो अपने करते हैं ना कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन राइट तो काफ़ी सारा चीज है एंड uh, अभी तो जैसे आई एफ ओ ए का टेस्टिंग पैटर्न चेंज हो गया है आई ए आई का सब्जेक्टिव uh, ही है आई एफ ओ इज ऑब्जेक्टिव राइट तो दोनों ही केसेस में इफ़ आई टॉक अबाउट आई एफ ओ हाउ मेनी आर आई एफ ओ ए जस्ट राइट इन चैट बॉक्स ओके आई ए आई से कौन कौन दे रहा है हम्म ओके ठीक है सो so, इनिशियली uh, हम लोग क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव uh, भी आएगा आई एफ ओ का एंड आई ए आई का सब्जेक्टिव आएगा राइट right? एक चीज याद रखना हमेशा आपके लिए चीजें चैलेंजिंग कब बनेंगी जब पेपर आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा लोगों को लगता है कि एमसीक्यू है चार में से एक ऑप्शन करेक्ट है इजी हो जाएगा नहीं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वालों को तो देखो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि उनको लिखना पड़ता है उनको प्रॉपरली पूरा पीएल बैलेंस शीट वगैरह ड्राफ्ट करके प्रॉफिट निकालना है एंड जिनका ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है उनको भी पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इफ दे आर नॉट कॉन्सेप्चुअल इफ दे डोंट नो एनीथिंग दे बी एबल टू मार्क द करेक्ट आंसर

कॉन्सेप्ट uh, है पूरा सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल है इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है यह आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा अगर मैं रट के चला जाऊंगा तो मैं एमसीक्यू ऐसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा सर आप हमको 200 एमसीक्यू दे दीजिए हम उसको रट लेंगे एंड उसी में से आएगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला राइट right? खाली प्रैक्टिस हम लोग अलग अलग तरीके से करेंगे अदरवाइज द रेस्ट एवरीथिंग इज सेम राइट वॉट वील बी डूइंग वील बी स्टार्टिंग विद फ्रॉम चैप्टर नाइनटीन चैप्टर नाइन टू फिफ्टीन नाइन टू फिफ्टीन इज कंप्लीट अकाउंटिंग पार्ट इसे फोर्टी थर्टी फाइव फोर्टी परसेंट मार्क्स आता है आपके सिलेबस का तो हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे एंड बाकी जो पोर्शन है उनका भी वेटेज है बट टाइम टू टाइम वी विल कवर अप इफ यू want टू मूव अहेड यू कैन स्टार्ट with चैप्टर वन टू थ्री वीडियो वगैरह अपलोड कर देंगे हम लोग राइट इफ यू to टू गो रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव सेशन यू कैन डू देट कुछ कुछ बेसिक बेसिक चैप्टर्स हैं उनका आपको वीडियो देखना पड़ेगा दे will won't बी वेस्टिंग टाइम बिकॉज वी हैव टू फोकस मोर ऑन प्रैक्टिस सेशंस राइट सो so, काफी सारा चैप्टर ऐसा होगा जिसको आपको घर में करने बोला जाएगा एंड देन वी वी विल विल हैव प्रैक्टिस ऑन सो इट हेल्प अस बिकॉज नीड मोर मोर एंड सॉल्विंग राइट वालों को मैं ये एक रिकमेंड करूंगा कि काफी सारा उनका थ्योरी क्वेश्चन आता है सो so, उनको कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग द आंसर स्टार्ट कर देना चाहिए जैसे अगर मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया उसके जितने भी पास्ट पास क्वेश्चन हैं उनको आप घर पे लिखिए एंड कंपेयर विद द सजेस्ट आंसर्स जो दिए रहते हैं रिविजन नोटबुक वगैरह में भी हमारे कंपाइलर में भी जो आंसर दिए हुए उनसे आप उनको कंपेयर करिए राइट तो ये सब अभी से प्रैक्टिस डेवलप करना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअली बोथ द बॉडी स्टूडेंट हैंग अदरवाइज यून बी एबल टू ईजी है राइट right? डिफिकल्ट बोल के कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं है बहुत हाई फाई है टू मच ऑफ मैथ्स इज नॉट रिक्वायर्ड हियर सिंपल बेसिक मैथ्स इज एनफ राइट प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ये सब सभी को मालूम है बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं चाहिए जो आपको अदर एक्चुअल पेपर्स में चाहिए होता है राइट चलिए सो अगर मैं स्टार्ट uh, करूंगा तो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अकाउंटिंग पार्ट बट उसके पहले मैं आपको एक बिजनेस uh, कैसे किया जाता है मैं uh, विल बी डिस्कसिंग मैं अकाउंटिंग से स्टार्ट करूंगा ये आपका चैप्टर नौ से फिफ्टीन तक है दिस पर्टिकुलर विल कवर अराउंड थर्टी फाइव टू फोर्टी परसेंट आपके करिकुलम का पेपर का सब्जेक्टिव वालों का वन फुल फुल्लेजेड क्वेश्चन आएगा बीस नंबर का तो उनको तो बड़ा बड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही है सॉल्व करना राइट आइए सो लेट अस क्विकली स्टार्ट सो हम लोग चैप्टर नाइन टू फिफ्टीन हमारी क्लास में करेंगे साइड बाय साइड आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखना है जैसे चैप्टर वन हो गया टू हो गया फोर हो गया ये सब बहुत ईजी है बेसिक है राइट सो वील स्टार्ट विथ अकाउंटिंग बट मैं आपको कुछ एक बेसिक uh, बताना चाहता हूं कि कंपनी में फाइनेंस कैसे मैनेज होता है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है एंड देन ऑटोमेटिकली वील मूव टू द दाउंटिंग पार्ट सिंस इज अ इंट्रोडक्टरी क्लास राइट सो वील बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नाइन थोड़ा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्लास पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्टरी देना चाहता हूँ इस सब्जेक्ट के बारे में जब मैंने फर्स्ट टाइम बिजनेस फाइनेंस सुना था तो मेरे को यही लगा था कि इस सब्जेक्ट इस में हम लोग यही सीखेंगे हाउ टू मैनेज द फाइनेंस ऑफ द कंपनी राइट सो बिजनेस फस सब्जेक्ट का नाम है सभी को मालूम है सो इट हैज टू बी प्लानिंग एंड मैनेजिंग द फाइनेंस ऑफ द बिजनेस ठीक है सबसे पहले ना आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा जैसे ये कौन है ये लोग कौन है हुआ दे कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं इन्होंने ये वाले बिजनेस में Right now, again, business you can do in multiple modes. You can act as a sole proprietor. You two, three persons can come together and form a partnership. And uh, you can form a company. Company, maybe again, there are two types. Uh, either you can go for a private limited company if you want to have it within the close family members, and another, you can have public companies. Private limited companies are also known as closely held companies. And public company मतलब you want to share, float shares in the market, right? तो so, जब भी आप business किसी भी business को form करते हैं either you carry out yourself as a sole proprietor और दो तीन लोग मिलकर business करे तो उसको अपने partnership बोलते हैं और you can have it in the nature of company. तो so, हमारा एक specific एक chapter है कि किसमें क्या pros and cons है जैसे अगर आप company form करते हैं जब आप लोग करेंगे उसमें आप लोग को पूरा डिटेल्ड में समझाया गया है सो बेसिकली शेयर होल्डर करता क्या है शेयर होल्डर फंड करता है इस बिजनेस को राइट right? एंड बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है टू अर्न मनी फॉर द शेयर होल्डर्स अभी ये लोग कौन है हुआर दे ये लोग के पास पैसा बहुत है इनके पास पैसा बहुत है इनके पास पैसे का कमी नहीं है बट मे बी दे माइट लैक सेंस ऑफ डूइंग अ बिजनेस राइट मे बी दे आर वर्किंग अदर प्लेस दे वांट टू डू सम इन्वेस्टमेंट राइट एंड इनके पास उतना नॉलेज नहीं है धंधे को चलाने के लिए तो एक्स वाई, जेड रीजंस हो सकते हैं कि व्हाई यू आर नॉट डूंग यस यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन बिजनेस, राइट कंपनी सोल पर बेटर होगा तो मैं ही मालिक मैं ही सब कुछ करता धरता पार्टनरशिप में भी वही होता है लेकिन कंपनी में यू विल फाइंड दैट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर ऑन टू डिफरेंट हैंड्स

तीन लाख बनाइए चार लाख बनाइए पांच लाख बनाइए दस लाख बनाइए सर लाख से चार लाख कैसे बनेगा क्यों नहीं बनेगा मैं एक लाख का सामान खरीदूंगा उसको एक बीस में बेच दूंगा तो एक लाख का खरीदा था एक बीस में बेच दिया फिर एक बीस का खरीदूंगा उसको मैं डेढ़ में बेच दूंगा फिर डेढ़ में खरीद के दो में बेच दूंगा फिर दो में खरीद के दो चालीस में बेचूंगा फिर दो चालीस में खरीद के मतलब एक लाख की कंपनी चार लाख पांच लाख दस लाख एक करोड़ दस करोड़ की तभी बनेगी जब मैं कमाकर उस पैसे को बिजनेस में री इन्वेस्ट करूं आप लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग मालूम है वेल्थ ऐवे इंक्रीज नहीं करेगा मैंने कमाया उन पैसों से मैंने वापस से धंधा किया सो देर विल बी रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट so ultimately, when that retained profit when you reinvest again there's a profit right wealth ऐसी increase नहीं होता है आप लोग को मालूम है वेल्थ इंक्रीज करना है मतलब आपको प्रॉफिट को रिटेन करना पड़ेगा बिजनेस में आपने एक लाख एक लाख इन्वेस्ट किया एक बीस आया रिटर्न आप एक बीस को वापस से री इन्वेस्ट करिए तो उस हिसाब से आप कमाएंगे तो शेयर होल्डर बिजनेस में पैसा लगाया है कंपनी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है टू मन अनी मनी फॉर द शेयर होल्डर्स अब शेयर होल्डर क्या करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगा ये शेयर होल्डर है शेयर होल्डर जब बिजनेस में पैसा लगाता है ना दिया फोन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये लोग अपॉइंट करता है सारा जिम्मेदारी इन लोगों का है मतलब बेसिकली आई कैन कॉल देम फाइनेंस प्रोवाइडर एंड ये लोग पूरा ऑपरेशन संभालेगा ठीक है अभी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग क्या करता है ये लोग मैनेजर्स बेस्ट बेस्ट आदमी लोग कंपनी शेयर होल्डर कैन ऑल्सो सेट इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नो प्रॉब्लम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पॉसिबल है राइट तो ये जो अपॉइंट करता है मैनेजर्स को शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं करता शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया डायरेक्टर लोग सारा ऑपरेशन कैसे करना है इंडस्ट्री से किसको हायर करना है तुम बेस्ट हो फाइनेंस में यू आर माई सी एफ ओ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर तुम मेरा प्रोडक्शन मैनेजर तुम मेरा सीईओ राइट right? तो इट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंट्रस्ट कॉन्फिडेंस ऑन दिस पर्सन बेस्ट प्रोफेशनल्स दे हायर इनको बोला जाता है दो चार्ज विद गवर्नेंस इनको बोला जाता है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस यस भूटकुरी नी क्वेश्चन नो क्वेश्चन ध्रुवी सर इज बोर्ड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यस 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 यस, बट इन सर्टेन केस दे नीड टू बी इंडिपेंडेंट ओके कुछ कुछ केसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंडिपेंडेंटली एक्ट करना पड़ता है राइट तो ऐसा हो सकता है जरूरी नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस राइट okay, आइए तो शेयर होल्डर ने पैसा लगाया राइट एंड इनका काम है मैनेजमेंट देखना ये लोग ओनरशिप है इनके पास में ओनरशिप है दे आर द ओनर्स ओनरशिप मैनेजमेंट इनके हाथ में है तो मैंने अपनी एक टीम बना दी राइट जो सब कुछ करेगा अब ये लोग बेस्ट पर्सन को जॉब में लगाएंगे तो जो भी एक्चुअली वर्क कर रहा है ना इनको बोला जाता है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस राइट रेस्पन्सिबिलिटी yes, uh, power, uh, power no, no, मैंने, मैंने जब तुम्हारा मतलब तुम क्या करोगे okay. तुम खुद करो किसी से करवाओ तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है okay. अगर तुम मेरा अगर तुम मेरा अगर तुम तुमने जब मेरे से पैसे मांगे राइट वेन यू गो टू द इन्वेस्टर ना एक्चुअली प्रमोटर लोग मैक्सिमम शेयर अपने पास में रखता है जो कंपनी का फाउंडर्स होता है राइट बट उनका अपना पैसा से नहीं होगा उनको बाजार से और पैसा चाहिए तो हर कंपनी का आईपीओ आता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स तो उस आईपीओ में वो लोग बाजार से पैसा उठाते हैं तो जब वो आईपीओ से बाजार में पैसा उठाते हैं तो दे डू अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉमिस राइट वो लोग सर्टेन काइंड ऑफ प्रोमिस करता है एंड शेयर होल्डर का कुछ नहीं है शेयर होल्डर ने लगा दिया इफ यू फुलफिल माई प्रोमिस आई स्टे इन्वेस्टेड इन यूर कंपनी इफ यू डू नॉट फुलफिल माई प्रोमिस आई सिंपली टेक आउट माई मनी एंड इन्वेस्ट एल्स वेयर अगर सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालने लगेंगे देन अल्टीमेटली इट एफेक्ट दार्केट प्राइस मोर सप्लाई प्राइसेज आर ऑब्वियसली गोइंग टू कम डाउन एंड अल्टीमेटली योर कंपनी विल शट डाउन बिकॉज देर इज नो वन टू होल्ड योर शेयर राइट एनी वे ओनरशिप इनके पास में है यू कैन नॉट टर्न ऑफ योर माइक ओनरशिप इनके पास में मैनेजमेंट किसी और के पास में कंपनी में ऐसा ही होता है सोल प्रोप्राइटर में मैं ही ओनर मैं ही मैनेजर मैं ही सब कुछ पार्टनरशिप में भी यही होता है राइट ना हो अब ये मैनेजर्स लोग अपना काम वाम किया राइट right? ये लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनाएगा सब कुछ बनाएगा अकाउंट्स अकाउंट्स रेडी करके प्रॉफिट निकाल दिया जो भी प्रॉफिट आया राइट right, वो प्रॉफिट शेयर होल्डर को बताया जाएगा कि आपके पैसे से हमने इतना रुपया कमाया है अब अभी शेयर होल्डर बोलता है यू आर द मन हु मैनेज्ड एवरीथिंग यू आर द वन हु कैलक्युलेटेड ऑल द प्रोफिट एंड ऑल हाउ कैन आई ट्रस्ट दे इज अस्ट्रस्ट कैन कम तुम्हें तुम्हारे पास सब कुछ है मे बी यू माइट हैव अर्न फॉर अट थर्टी करोड बट यू हैव रिपोर्टेड ओनली ट्वेंटी फाइव करोड़ तुम पांच करोड़ गायब कर दिया हो सकता है एक्सपेंडिचर फॉल्स एक्सपेंडिचर एंड वो पैसा मैंने किसी और के अकाउंट में डाल के उसे ले लिया उसको भी थोड़ा बहुत दे दिया सो so, मेरे को ट्रस्ट इशूज आ रहा है आई हैव ए ट्रस्ट इशू आई के नॉट ट्रस्ट यू ब्लाइंडली ऑन योर फाइनेंशियल तो मैंने पैसे दिए आपने मैनेज किया आपने बेस्ट पर्सन हायर किए मार्केट से जो भी है आपने दोस्त विद गवर्नेंस राइट उनको ड्यूटी दे दिया वो परफॉर्म किया उन्होंने अकाउंट्स वगैरह के सब रेडी कर दिया प्रॉब्लम उसमें नहीं है प्रॉब्लम मेरे क्रेडिबिलिटी पे आ रहा है इंक्रीज योर क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अकाउंट्स दैट यू होता क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा राइट बुक्स को क्या करवाना पड़ेगा ऑडिट करवाना पड़ेगा ठीक है कंपनी का सीईओ बोला हाँ मेरा मेरा चाचा का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसे करवा लेते हैं ना नो 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 ये ऑडिटर तुम्हारा किसी का भी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का रिलेटिव नहीं होना चाहिए फर्दर इसको अपॉइंट शेयर होल्डर करेगा बड़ी बड़ी कंपनी में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक ऑडिट टीम बनाया जाता है ऑडिट टीम के सारे के सारे मेंबर इंडिपेंडेंट होने चाहिए मतलब सीईओ

बट कंपनी में हजारों लाखों शेयर होल्डर हैं कोई बोलेगा उससे ऑडिट करा लो कोई बोलेगा उससे ऑडिट करा लो ऐसे नहीं होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक टीम निकल कर आएगी ऑडिट टीम जिसमें ऑल या मेजॉरिटी मेंबर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए काफी सारे कंट्री में लॉ है ऑल मस्ट बी इंडिपेंडेंट काफी सारे कंट्री में लॉ है मेजोरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट सीईओ सी एफ ओ सीएमओ दो स्टार्ज विद गवर्नेंस कैन नॉट बी पार्ट ऑफ ऑडिट टीम इनका काम है ऑडिटर अपॉइंट करना नहीं वो लॉ देखना पड़ेगा वहां का कंपनी लॉ देखना पड़ेगा डोंट गेट कन्फाइंड योर सेल्फ ओनली टू यूके ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं आपको बताता हूं किसी भी आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना कहीं भी जा सकते हैं आप यूएस भी जा सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं आप हमारी मातृभूमि में, में भी काम कर सकते हैं कहीं पर भी आप कर सकते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा कहीं पर भी काम करिए आपको कुछ कुछ नॉर्म्स वहां का समझना पड़ेगा जैसे मान लो अगर मैं इंडिया में काम कर रहा हूं मैं एक इंडियन कंपनी हूं I must abide by the rules of Indian Companies Act, 2013, which is in India. If my shares are listed in a stock exchange, then I should abide by the rules of Securities Exchange Board of India and respective exchange, like National Stock Exchange Bombay Stock Exchange. If I am doing some export-import, then I should also comply with Foreign Exchange Management Act. तो पहले क्या करना है आपको सबसे पहले आपको देखना है कि आप कौन हैं आप कहां काम कर रहे हैं तो उस कंट्री में या उस सिटी का उस स्टेट का जो भी एप्लीकेबल लॉज है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा जितने भी अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क होंगे जितने भी रिपोर्टिंग रिलेटेड वर्क होगा सब आपको वहां का लॉ के हिसाब से करना पड़ेगा पेपर नहीं नहीं पेपर में आपका आएगा अभी मैं दिखाऊंगा उसमें राइट, ओनरशिप मैनेजमेंट दो अलग अलग आदमी है समझ में आया कंपनी में जब तक आप ये स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे ना आप कर नहीं पाइएगा शेयर होल्डर कुछ कुछ मेंबर्स अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर राइट दे बिकम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनका काम है मैनेजमेंट देखना ऑपरेशंस देखना वो खुद भी सीएफओ सीएमओ सीईओ बन सकते हैं या बेस्ट इन पर्सन मार्केट से हायर करके उसको बना सकते हैं इनको बोला जाता है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस में मतलब समझ में आया आप किसी भी लेमैन को पूछेंगे ना वो बोलेगा दोनों सेम है राइट अब सारा काम मैनेजर कर रहा है सीएफओ कर रहा है सीईओ कर रहा है इट इज देम हु आर गोइंग टू डू ऑल द ग्राउंड वर्क्स

ऑथराइज सिग्नेटरी होते हैं चार्टेड बॉडी होती है राइट right? जैसे यूएस में सीपीए है इंडिया में आईसीएआई है यूके में ए है ये लोग चार्टेड अकाउंटेंट्स बनाते हैं राइट right? मैं उनसे ऑडिट करवाऊंगा एंड दे विल गिव मी एन ओपिनियन वेदर योर अकाउंट्स आर ड्राफ्टेड वेल और नॉट वेदर यू हैव कंप्लाइड विथ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन और नॉट सपोज करो तुमने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिया सपोज आई एम इन केमिकल बिजनेस बहुत पैसा है उसमें लेकिन केमिकल का जो वेस्ट निकलता है ना उसको आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा चाइना में मैक्सिमम केमिकल कंपनीज बंद हो गई हैं अभी क्योंकि पहले लोग क्या करते थे उसका डिस्पोजल नॉर्म था कि आप समुद्र में डाल सकते हैं आप जमीन के नीचे गाड़ सकते हैं आई बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं बट वो सब धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शन आ रहा है उसमें बिजनेस करना हर चीज में पैसा है अरे वो तो लाखों करोड़ों कमा रहा है अरे लाखों करोड़ों कमा रहा है वो लेकिन लाखों करोड़ों टेंशन भी पाल के रखा है वो आज के दिन, दिन को केमिकल बिजनेस स्टार्ट करो तो तुमको इजीली लाइसेंस नहीं मिलेगा दो तो जर इन टू ज्वेलरी बिजनेस बचपन से खाटी पैसा वाला लोग है वो लोग अगर आज मैं सोचू कि मैं ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करूंगा नॉट पॉसिबल पूंजीपति होना पड़ेगा कुछ कुछ बिजनेस के लिए मेरे को कुछ तैनी पैसा होना चाहिए धंधा करना इतना आसान नहीं है मैं ऐसा 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 बिजनेस कर रहा हूं जिससे मेरा एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग भी करना पड़ता है मैं ऐसा बिजनेस प्रमोट कर रहा हूं ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जिससे सोसाइटी को डैमेज हो रहा है मैं ड्रग्स का बिजनेस कर रहा हूं अलाउड ही नहीं है पैसा बहुत है पुष्पा मूवी देखा है तुम लोग में जो लाल चंदन जो दिखाया है ट्रंक, वो इल्लीगल है गेटिंग माय पॉइंट बिजनेस करने से नहीं होगा उसका दाव पे समझना पड़ेगा क्या क्या नॉर्म्स उस पर अप्लाई हो रहे हैं वो समझना पड़ेगा ये सारा काम आपको करना पड़ेगा आप लोग रिस्क इवेल्यूएटर हैं। अगर कंपनी ने कोई चीज कोई कानून फॉलो नहीं किया है उससे क्या रिस्क हो सकता है वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ये सब तो आप लोग सीख ही रहे हैं राइट right? तो आप लोग बनाइए बनाइए आप लोग मैं नहीं ऑडिटर नहीं बनाएगा बनाएंगे आप ही लोग ऑडिटर विल ऑडिट मतलब वेरीफाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन बनेगा ऑडिटर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का रिलेटिव नहीं होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाएगी ऑडिट टीम बोल के इसमें मेजोरिटी ऑल मेंबर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट या तो शेयर होल्डर बनाएगी तो ऑडिट टीम का रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन ऑडिट टीम होना जरूरी है अगर मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई एक आदमी प्रेशराइज कर रहा है दोस्ट चार्ज विद गवर्नेंस को कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चैप्टर वन में आज पूरा ही पढ़ा देगा चैप्टर वन आपका बीस पन्ने का आपका बुक जाके देखिएगा अगर दो स्टार्ट विद गवर्नेंस पे प्रेशर आ रहा है कि तुम ऐसा करो वैसा करो ये किसको जाके कंप्लेन गेटिंग माय पॉइंट शेयर होल्डर अपॉइंट कर दिया ऑडिटर को सारे शेयर होल्डर को मैंने इकट्ठा किया एक होटल में अपॉइंट कर दिया अब ये ऑडिट करने आ गया वेरीफाई कर रहा है बुक्स को इसको कुछ कुछ चीज खराब लग रहा है नहीं ये गलत है ये गलत है ये गलत है वापस से शेयर होल्डर मीटिंग बुलाएगा नॉट फिजिबल दे नॉट कम एवरी डे बिकॉज ऐसा छप्पन में लोग पैसा लगा रखा है दिस इज नॉट द ओनली कंपनी वेयर दे है तो इसलिए एक ऑडिट टीम बना लोगे तो अच्छा रहेगा बड़ी बड़ी कंपनीज में ऑडिट टीम बनाना मैंडेटरी होता है तो दे अपॉइंट ऑडिटर्स ऑडिटर का रोल क्या होगा ड्यूटी क्या होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा इसका रेम्यूनिशन क्या होगा तो कल को कोई भी इश्यूज आएगा ना तो दिस ऑडिटर विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू द ऑडिट टीम कि देखो आपके कंपनी में ऐसा 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 हो रहा है आर यू गेटिंग माई पॉइंट एनी वन कैन शेक हैंड्स कंपनी का सीईओ बोलता का है ऑडिटर को लेट शेक हैंड्स मैंने पांच करोड़ का घपला किया है आप साइन कर दीजिए दो करोड़ आपका मेरे घर भिजवा देना साइन कर देगा सत्यम पीडब्ल्यू केस बहुत सारे स्कैम्स हुए व्हेन ऑडिटर एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और द डायरेक्टर्स शेक हैंड्स राइट सो so, अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्रेडिबिलिटी बढ़ाना है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा कौन होता है ये ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट होना पड़ेगा उस कंट्री में उसके पास साइनिंग अथॉरिटी होना चाहिए वो किसी भी आदमी का रिलेटिव नहीं होना चाहिए दोस्त चार्ज्ड गवर्नेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनका रिलेटिव नहीं होना चाहिए अर गेटिंग द स्ट्रक्चर तो यहीं पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा इसको अपने एजेंसी कॉस्ट भी बोलते हैं राइट right? आप लोग सीखेंगे धीरे धीरे क्लियर हो गया तो अगर मैं किसी भी कंपनी का बात करूं मेरे को काफी सारा चीज क्लियर हो गया शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है चलाता कौन है बीओ डी ऑब्लिक दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस हु विल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस विल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स Those charged with governance will ensure compliance with all rules and regulations. Hayana? Those charged with governance will ensure every compliance. Auditor will be appointed by shareholder or audit team for what? For verifying. बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेर्ड बाई दो चार्ज विथ गवर्नेंस एंड ये लोग रिपोर्ट किसको करेगा रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स तो ये लोग जो रिपोर्ट बनाते हैं ना उसको अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं उसमें मालूम है उसमें सबसे पहला लाइन क्या लिखा रहता है इन लोग का जो रिपोर्ट होता है उसमें सबसे पहला लाइन लिखा रहता है टू मेंबर्स ऑफ डॉट 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 कंपनी मतलब इस कंपनी का शेयर होल्डर ये इनका हेडिंग रहता है और ऊपर में क्या लिखा रहता है मालूम है इंडिपेंडेंट क्या इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट भला बात तो किसी का रिलेटिव नहीं हो सकता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का राइट right. दूसरा बात इसको अपना काम इंटीग्रिटी ऑनेस्टी से करना है why you appoint them to increase the credit creditworthiness? auditor na banayega na sara compliance karwayega auditor khali verify karega accounts have been drafted properly in accordance with relevant rules or not kahin pe galat dikhega तो वो पहले तुमको बताएगा दो चार्ज with governance को आप ठीक करिए नहीं तो मैं report कर दूंगा आप ठीक करिए नहीं तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा धमकी सॉर्ट ऑफ देगा कि आइदर यू करेक्ट इट और आई एम गोइंग टू रिपोर्ट इट हर छोटा छोटा चीज के लिए शेयर होल्डर के पास नहीं जाएगा पहले आपको रीजनेबल टाइम देगा मैं ऑडिट करने आया आप मेरे को कुछ नहीं खिला पिला के भेज दिए बोला आज तो फर्स्ट डे छोड़िए क्या करिएगा फिर मैं अगले दिन ऑडिट करने आया आपने मेरे को बुक्स ऑफ समझ नहीं दिया फिर अगले दिन आया आप मेरे को नहीं दे रहे मल मजाक चल रहा है क्या डिलीडी भाड़ा लग रहा है राइट तो दो विद गवर्नेस विल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल मेक एंड ऑल कंप्लायस इज डन ऑडिटर खाली वेरीफाई करेगा वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एक्चुअली कंप्लाइड विथ ऑल द रूल्स एंड रॉट ऑडिट टीम को रिपोर्ट करेगा वो लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होगा स्पेसिफिक एरियाज हो जाएगा उसको बोलेगा कि यहाँ गड़बड़ लग रहा है सपोज ऑडिट आदिट टीम ऑडिटर बोलता है ऑडिट टीम को कि मैंने दो चार्ज विद गवर्नेंस को बोला कि इसको ठीक करो वो मना कर दिया तो आई थिंक समथिंग फिश इज देयर यू कैनली लुक इनटू इट तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेगा उसमें और फाइंडिंग्स होगा और डिटेल रिसर्च होगा डिटेल चेकिंग होगा ऑडिटर भी पूरा बुक्स तो चेक नहीं करता है वो सैम्पलिंग करता है जो तुम लोग पढ़ा है पॉपुलेशन सैंपल जैसे मान लो एक लाख ट्रांजेक्शन है तो एक लाख ट्रांजेक्शन तो चेक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो मैं स्टेटिफाइड सैम्पलिंग करता हूँ रैंडम सैम्पलिंग करता हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स हैं पूरे पॉपुलेशन से एक सैंपल बनाऊंगा उस सैंपल को मैं टेस्ट करूंगा उसको चेक करूंगा अगर सैंपल सही है तो पॉपुलेशन भी सही है अगर सैंपल गलत है तो पॉपुलेशन भी गलत है बट इसमें सैंपलिंग एरर आ जाएगा मालूम है ना कि अगर मान लो सैंपल का जो रिजल्ट है मैंने जितने भी इन्वॉइसेस सेलेक्ट किए थे वो सारे गलत थे बाकी सब सही है तो सैंपल रिजल्ट जो आया मैंने उसके बेसिस पे पॉपुलेशन रिजल्ट के बारे में कमेंट कर दिया ना तो इसको एरर बोलते हैं इसमें भी एक टॉलरेबल रिस्क रहता है एक एक्सपेक्टेड रिस्क अपने आगे फर्दर स्टडीज में हमारा काम आएगा तो ने ने तो 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 नेक्स्ट तो हम बता रहे हैं ना लोग कमेंट कर देगा रिपोर्ट में अपना कमेंट कर देगा हाँ तो वो लोग ठीक करेगा उसको राइट सो ऑडिटर जब ऑडिट करता है ना तो वो ओपिनियन देता है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेर्ड बाई बीओडी ओब्लिक दोस्ट चार्ज विथ गवर्नेस क्या ओपिनियन देगा वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू सर व्हाट इज ट्रू एंड फेयर व्यू ट्रू एंड फेयर व्यू समझना बहुत जरूरी है हम लोगों को ट्रू एंड फेयर व्यू होता क्या है सर हमने ना सारा टोटल चेक कर लिया सब कुछ सही है आप दिमाग मत लगाइए ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ये नहीं कि टोटल देखना ट्रू एंड फेयर व्यू डजन मीन्स की टोटल चेक करो right what does the word true and fair view means true and fair view means whether books of accounts व बीन ड्राफ्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट लॉस कि मैनेजमेंट ने जो बुक्स ऑफ कौन बनाया है वो सब रेलिवेंट लॉ के हिसाब से बनाया है तो आपको ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गया मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गया ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता समझ में आ गया ऑडिटर किसको रिपोर्ट करेगा समझ में आ गया ऑडिटर क्या देगा ओपिनियन देगा कि सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताएगा वो कि इट इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट और इट हैज हैज सम सम एरर इट फ्रॉड्स आल्सो ये सब कमेंट करेगा वो कि देखिए यहाँ पे स्टॉक डिफॉल्शन हुआ है यहाँ पे कैश एम्बेजलमेंट हुआ है इधर में इन लोग को ऐसे दिखाना चाहिए था इधर ऐसे नहीं दिखाया है राइट सो वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन ड्राफ्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट लॉज अभी ऑडिटर चार टाइप का ओपिनियन देता है फोर टाइप्स ऑफ ओपिनियन अगर ऑडिटर के ओपिनियन की बात करूं एक होता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन एवरीथिंग इज ओके सब कुछ सही है यहाँ yeah. सारा बुक्स ऑफ काउंट ये लोग कंप्लाई किए है सारा लॉस है क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सेप्ट एवरीथिंग इज ओके एक्सेप्ट फ्यू रेस्ट इज ओके एक होता है एडवर्स ओपिनियन नथिंग इज ओके लास्ट वाला एक टाइप का गाली है उसको अपन बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब लिमिटेशन ऑन आपको मालूम है मैं कितने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं बीस साल से कितना कंपनी को ऑडिट कर चुका हूं पांच सौ से भी ज्यादा मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस 500 सौ कंपनी का ऑडिट का एक्सपीरियंस के बावजूद भी मैं नहीं बता पा रहा हूँ ये सही है कि गलत क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट ही नहीं दे रहा है ठीक से बात नहीं करता है जब जाते बोलते क्या खाएंगे मैं क्या खाने आया हूँ यहाँ पे इसलिए तो ऑडिटर लोग का एकदम राज, राज, राजा महाराजा लोग की तरह लोग खातिरदारी करता है एक में क्या बोलूंगा सब कुछ सही है एक सब गलत है राइट एडवर्स ओपिनियन एक है कि सब कुछ सही है सिवाय कुछ कुछ के और एक है डिस्क्लेमर मैं इतना तजुर्बा होने के बावजूद भी मैं नहीं बता पा रहा हूं कि सब कौन सही है कि गलत है शो ही नहीं कर रहा लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट एक होता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कई बार क्या होता है ऑडिटर कुछ कुछ मैटर पे शेयर होल्डर का अटेंशन ड्रॉ करना चाहता है तो उसको अपने बोलते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ऑडिटर वांट्स टू ड्रॉ अटेंशन ऑन सम मैटर्स एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ठीक है अभी तो तक हम लोग क्या क्या पढ़ा बिजनेस फाइनेंस का मतलब है प्लानिंग एंड मैनेजिंग द फाइनेंस ऑफ द कंपनी तो पहले बिजनेस का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे काम होता है अगर ये सब नहीं समझ पाएंगे ना तो देर विल बी प्रॉब्लम इन मैनेजिंग द बिजनेस राइट तीन टाइप का बिजनेस कर सकते हैं आई यू कैन वर्क एज अ सोल प्रोप्राइटर और यू कैन वर्क एज अ पार्टनरशिप और यू कैन वर्क एज अ कंपनी ऑब्जेक्टिव क्या है शेयर होल्डर के लिए पैसा बनाओ एंड पैसा तभी बनेगा मैंने आपको बताया जब रिटेन अर्निंग होगा रिटेंशन होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग राइट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर ऑन टू डिफरेंट हैंड्स शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है राइट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन टर्न अपॉइंट दो स्टार्ज विद गवर्नेंस किसको कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा दे कैन एक्ट देनेक्ट एस दोस्त गवर्नेंस और दे कैन हायर टॉप फ्रॉम द इंडस्ट्री ऑडिटर को अपॉइंट करेगा अच्छा तो ये जितने भी दोस्त चार्ज विद है इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सारा कंप्लायंस करना सारा बुक्स अकाउंट बनाना प्रॉफिट बनाना सब कुछ इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है बना के शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करना बट शेयर होल्डर बोलता है हमको ट्रस्ट इशूज आ रहा है मैं तो डेली गया नहीं आपके वहां देखने के लिए आज मैं रिलायंस का मेरे पास दो हजार शेयर है मैं रिलायंस का ओनर हूं तो क्या मैं देखने जा रहा हूं मानी जी क्या कर रहे हैं एक टीम तो होना चाहिए ना राइट right? तो कहने का मतलब है मेरे को क्रेडिबिलिटी इश्यूज आ रहा है तो या तो शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा ऑडिटर को ऑडिटर दोस्त चार्जिट गवर्नेंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिलेटिव नहीं होना चाहिए मान लो कंपनी फाइनेंस कंपनी है ऑडिटर उस कंपनी से लोन ले रखा है आज मेरे लिए आईसीआईसी बैंक भगवान है क्योंकि उसने मेरे को लोन दिया है तो मैं एक ऑलवेज आईसीआईसी बैंक को एक इमोशनल बैकग्राउंड से देखूंगा राइट right? तो उसका ऑडिटर मेरे को कभी नहीं बनना बन, बनेगा मैं कभी नहीं बन सकता आईसीआईसी बैंक ऑडिटर हा मेरा लोन चुक गया देन आई कैन बिकम राइट तो ऑडिटर बनने का भी काफी क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशन होते हैं तो मैनेजमेंट सारा बनाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट सारा अकाउंट रेडी करेगा सारा कंप्लायंस भी वो मेक श्योर sure करेगा ऑडिटर कंप्लायंस मेक श्योर नहीं करेगा ऑडिटर खाली चेक करेगा कि आपने कंप्लायंस वर्क किया है कि नहीं किया है जितना कानून फॉलो करना चाहिए था सब आपने किया है कि नहीं हमारा काम वो नहीं है अगर आप केमिकल बिजनेस में हैं आपने जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं आपके उसको आपने प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया है कि नहीं एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड नॉर्म्स There are different types of audit: waste audit, internal audit, statutory audit, tax audit, tax compliance, environmental audit, social audit. Right? There are a lot of different types of audit. So usually the shareholder point. Right? Otherwise, if you have an audit team where majority of the uh, directors must be independent, means they, they they should not be occupying the place of those charged with governance. इफ आई एम ऑक्यूपाइंग द प्लेस ऑफ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस आई कैन बी इन ऑडिट टीम राइट कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा राइट right? काफी सारे केसेस में हम लोग ऐसा देखेंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस बोलेगा एक्सपेंशन का कोई दरकार नहीं है क्यों क्योंकि जब कंपनी में पैसा आएगा तो उनका कैपिटल एम्प्लॉय बढ़ जाएगा बट रिटर्न तो उस स्पीड से ग्रो नहीं करेगा ना तो अल्टीमेटली उन कुछ कुछ सालों के लिए उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल शो लोअर रेशियो अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय लोअर रेशियो दिखाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा उनका परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगा ना क्योंकि नया एसेट आपको डे वन से कमाना नहीं देगा ट्राई टू अंडरस्टैंड सपोज मैं हर साल 20 परसेंट का ग्रॉस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिपोर्ट करता हूं 20 परसेंट का

ज इट फाइन तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ना बहुत जरूरी है एजेंसी कॉस्ट एजेंसी कॉस्ट एजेंसी कॉस्ट क्या होता है अगर ऑडिटर हाथ मिला लिया सीईओ से राइट hmm. कंपनी right? को प्रॉब्लम हो जाएगा जिसने फ्रॉड किया और जो वेरीफाई करने वाला दोनों ही अगर हाथ मिला ले तो ऑडिटर क्या करता है अच्छा यहाँ पे फिर मैंने कुछ कुछ आपको बताया दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस बुक्स बनाएगा दोस्त विद गवर्नेंस विल मेक श्योर ऑल द कंप्लायंस इज डन ऑडिटर अपॉइंट होता है शेयर होल्डर या ऑडिट टीम फॉर वेरीफाइंग बुक्स ऑफ अकाउंट प्रीपेयर बाई दी मैनेजमेंट ऑडिटर किसको रिपोर्ट करेगा शेयर होल्डर को इसलिए ऑडिटर का रिपोर्ट में हेडिंग में लिखा रहता है टू द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी उसी को एड्रेस करेगा वो राइट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन वेदर बुक्स अकाउंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ट्रेड फेयरव्यू का मतलब नहीं कि टोटल वोटल सबसे ही ट्रू एंड फेयरव्यू का मतलब क्या है जितना भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ सब सही तरीके से हुआ है राइट एस पर लॉ हुआ है तो ऑडिटर चार टाइप का ओपिनियन दे सकता है सब सही है हमारे यहां पे सब कुछ सही है कुछ खराब नहीं है Qualified, सब कुछ सही है सिवाय कुछ कुछ के एडवर्स ओपिनियन सब कुछ गलत है कुछ सही भी नहीं है मतलब हम बता पा रहे हैं कि सब गलत है। और disclaimer of opinion तो बता ही नहीं पा रहे हैं कि सही है कि गलत है लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट ठीक है अभी एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ होता है अगर ऑडिटर को किसी भी मैटर पे अगर अटेंशन ड्रॉ करना हो तो वो कर सकता है अब जो मैंने आपको बताया था अगर किसी भी कंपनी का अगर कोई कंपनी है जिसमें काफी सारा रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होता है सबसे पहले आप देखिए आपके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेश अप्लाई होते हैं एक आप एक, आपके कंट्री का कंपनी लॉ अप्लाई करेगा आपका जो नेशनल कंपनी लॉ है उस कंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स काफी सारा आपको जो भी आप बुक्स अकाउंट्स ड्राफ्ट करते हैं दैट इज इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सिक्योरिटीज कमीशन उस कंट्री का जो भी सिक्योरिटीज कमीशन है एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स उस कंट्री का जो सो so नैचडैक हो गया जैसे हमारे यहां पे एन एस सी है वैसे वहां का जो एक्सचेंज रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना पड़ेगा फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अगर मेरा फॉरेन करेंसी में डीलिंग होता है तो अदर एप्लीकेबल laws, इसको अपने कायल बोलते हैं कायल नो योर लॉ क्या आप पे क्या क्या लागू होता है जैसे केवाईसी होता है ना नो योर कस्टमर वैसे। कायल नो योर लॉ सो आईव टोल्ड यू बिजनेस किस तरीके से हम काम करता है बिजनेस का स्ट्रक्चर समझ गया हम लोग हाँ huh? कितने टाइप के एंटिटी होते हैं उसका प्रोज एंड कॉन्स आप लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी बिजनेस को जब अपने स्टार्ट करते हैं शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ाना

राइट right? इसका एक कंटेंट होता है रिपोर्ट का काफ़ी सारा जैसे हेडिंग होना चाहिए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए फिर उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि डायरेक्टर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का मेरा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है राइट right? मैंने क्या ओपिनियन एक्सप्रेस किया है मेरा सिग्नेचर डेट तो कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं उसको ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब बता दिया मैंने और के वाई एल कायल किसी भी कंपनी का अकाउंटिंग करते वक्त अपने को कायल समझ लेना पड़ेगा कि क्य। तुम में क्या क्या अप्लाई करता है क्योंकि कोई बॉडी छूटनी नहीं चाहिए सोल प्रोपार्टीशिप एक्ट है ही नहीं कुछ भी क्लियर अब मैं थोड़ा बात करूंगा फाइनेंस के बारे में क्विकली आई स्पीक अबाउट एज आई टॉक्ट अबाउट द बिजनेस एंड इट स्ट्रक्चर राइट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एजेंसी कॉस्ट एंड ऑल अब मैं फाइनेंस के बारे में बात करूंगा कंपनी का जो फाइनेंस है ना वो सीएफओ देखता है दोस्त चार्ज गवर्नेंस मैंने बोला ये क्या करता है ये फाइनेंशियल एसेट बेचेगा किन लोगों को इन लोगों को राइट right? इनसे पैसा रेस करेगा मार्केट से पैसा उठाएगा रेस मनी अब इस पैसे को ये इन्वेस्ट करेगा रियल एसेट्स और वर्किंग एसेट्स में इसमें से जो मुनाफा आएगा राइट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाउ व्हाट इज दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स जैसे अगर मैंने डिवेंचर बेचा है शेयर्स बेचा है इसी को फाइनेंशियल एसेट बोलते हैं शेयर्स डिवेंचर्स को ही फाइनेंशियल एसेट बोला जाता है राइट right? तो ये लोग फाइनेंशियल एसेट बेचेगा यस मानसी श्रीवास्तव सर ये वाला स्ट्रक्चर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो हाँ मैं करूंगा अभी जैसे मैंने अभी बताया ना बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में बताया आपको इधर में तो बोर्ड ऑफ सबको सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी बताते तुम्हारा ये काम है तुम्हारा ये है तुम्हारा ये तुम्हारा ये।, ये तो मैं सीएफओ की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझा रहा हूँ फाइनेंस पार्ट बिजनेस पार्ट तो मेरे को समझ में आया उसमें वन ऑफ द एस्पेक्ट इज फाइनेंस उसको कैसे मैनेज करते कैसे कंट्रोल करते उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी ठीक है तो उस सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएफओ को दिया गया है इसका काम क्या है फाइनेंशियल एसेट बेचेगा ये शेयर डिवेंचर बेचेगा इसी को अपने बोलते हैं आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बेच के ये पैसा उठाएगा मार्केट से ना जब कोई पैसा उठाएगा तो सबको प्रॉमिस करेगा ना ये मनी रेस्ट विथ गिविंग प्रोमिस वॉट इज अ प्रोमिस डिवेंचर रिलेटेड को बोलता है फिक्सड इंटरेस्ट देंगे आपको फिक्स पेमेंट दैट इज नोन एज इंटरेस्ट इसको बोलता है हम आपको प्रॉफिट में शेयर देंगे तो जो भी आपने प्रोमिस किया है वो आपके लिए कॉस्ट बन जाएगा तो जहां पर भी आप इन्वेस्ट करेंगे वेयर एवर यू इन्वेस्ट यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर इस इन्वेस्टमेंट से आपको जो भी मुनाफा हो रहा है वो आपका कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए इज इट फाइन अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वेल्थ को बढ़ाओ तो मेरे को बताओ सीएफओ क्या करेगा डिविडेंड देना चाहिए शेयर होल्डर को डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए प्रैक्टिकली नहीं देना चाहिए क्योंकि द द द रेट रेट एट एट आई विल अर्न दैट इज मोर देन शेयर होल्डर विल मीटिंग में सपोज सपोज मान लो कंपनी पंद्रह परसेंट करके कमा रही है शेयर होल्डर का एनुअल जनरल मीटिंग होता है एक शेयर होल्डर को बुलाया गया उसमें उसको पूछा जा रहा है कि आपको डिविडेंड चाहिए बोला हाँ दे दीजिए क्योंकि आप री इन्वेस्ट करेंगे पंद्रह परसेंट में हमारे पास बीस परसेंट का अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ग्रोथ तो तभी आएगा ना जब ये यह बैक होगा अगर ये डिविडेंड बैक नहीं हुआ पीबी बैक तो गड़बड़ है तो इसको बोलते हैं अपन डिविडेंड डिसीजन क्या बोलेंगे इसको डिविडेंड डिसाइड करना कि देना है कि नहीं कम से कम बेसिक तो देना पड़ेगा अब इसमें एक टैक्सेशन का भी बहुत बड़ा रोल आएगा पहले हमारे यहां पे डिविडेंड एग्जेम हुआ करता था इंडिया में लेकिन अब डिविडेंड टैक्सेबल हो गया मतलब डिस्पोजेबल इनकम मालूम है ना आप लोग को इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे आप लोग पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पहले जब शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता था तो जो भी मिलता था पूरा हंड्रेड परसेंट वो डिस्पोजेबल इनकम लेकिन अब जो मिल रहा है उसमें टैक्सेस लग रहा है सो हंड्रेड परसेंट डिविडेंड हंड्रेड रुपीज डज नॉट मीन दैट डिस्पोजिबल इज हंड्रेड डिस्पोजिबल कितना है ओनली सेवेंटी थर्टी परसेंट तो टैक्स चला गया सो नाउ ऑब्वियस बात है कि शेयर होल्डर को अगर मैं दूंगा पहला बात ऑटोमेटिकली वो कट जाएगा

उसको टैक्स का रुपया करना पड़ेगा तो बाई डिफॉल्ट मैक्सिमम कंपनीज़ रिटेंशन पॉलिसी में आ रही है अब गवर्नमेंट को अगर फाइव ट्रिलियन बनाना है इसको तो रिटेंशन होना पड़ेगा तभी ना ग्रोथ आएगा मैंने जो आपको बताया आप कमाओगे आप खा के उड़ा दोगे तो फायदा कि आपको ग्रोथ कहां दिखाई देगा पैसा को पालना सीखो री इन्वेस्ट करना सीखो तब जाके उस कंपाउंडिंग का पावर दिखाएगा मेरे पास व्हाट्सएप में एक मैसेज आया कि आज से तीस साल पहले कोई रॉयल एनफील्ड का शेयर सौ रुपया या हजार रुपए में लिया था उसका दाम आज कितना रुपया हो गया तब मेरे को समझ में आया पावर ऑफ कंपाउंडिंग और मैं एक्चुअली पावर ऑफ कंपाउंडिंग करके देखा उतना आ रहा है लोग अपना अपना प्रेफरेंस होता है तुम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा है सम वन वु लाइक टू हैव मनी नाउ रेदर देन हैविंग वन ईयर लेटर सबका अपना अपना माइंडसेट होता है इंडिविजुअल का परसेप्शन समझना बहुत डिफिकल्ट है दस माथा दस बुद्धि दस थिंकिंग इसलिए तो डेली बेसिस में स्टॉक मार्केट में क्या होता है कोई खरीदता है कोई बेचता है कोई खरीदता है अच्छा जो खरीद रहा है मतलब उसका एक्सपेक्टेशन ये फुलफिल कर रहा है जो बेच रहा है मतलब ये कंपनी उसका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रहा है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स आर देयर इन द मार्केट कभी कभी आप देखेंगे एक स्टॉक का प्राइस गिरते जा रहा है गिरते मतलब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है कोई खरीदने वाला ही नहीं है पीडब्ल्यूसी का स्कैम के बाद में पीडब्ल्यूसी में कोई इन्वेस्टर है ही नहीं गिरे जा रहा है गिरे जा रहा है अगर गिरे हुआ आदमी बीच में कोई पकड़ ले खरीद ले और गिरने नहीं देगा आजकल तो गवर्नमेंट इट एक्टिंग एज एन एक्टिवली ट्रेडर इन द मार्केट हाल ही में जब निफ्टी दो तीन बार हॉल्ट हुआ गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट में पार्ट कर रही है गवर्नमेंट को पैसा चाहिए बहुत बड़ा एनालिसिस है मतलब आप सोच भी नहीं सकते क्या गेम चल रहा है हम लोग तो कुछ भी नहीं है तो सीएफओ का रेस्पॉन्सिबिलिटी देखा फाइनेंस को मैनेज करना पैसा उठाने से लेकर कहां लगाना है कितना डिविडेंड देना है कितना करना करना है क्या करना है क्या कॉस्ट में कितना इक्विटी होना चाहिए कितना क्योंकि कंपनी बनाने के लिए मिनिमम इक्विटी का दरकार पड़ता है बैंक से लोन लेने के लिए भी मिनिमम इक्विटी का दरकार है जैसे यूके में आप फोर्टी से ज्यादा डिवेंचर नहीं ले सकते हालांकि इंडिया में आप टू टू इज टू वन का रेशियो फॉलो कर सकते हैं यूके में आपको अपना साठ रुपया लगाना पड़ेगा तब बैंक आपको चालीस रुपए देगी यहां पे आप अपना तीस पैंतीस रुपए लगाइए बैंक आपको पैंसठ रुपए दे देगी, देगी। परसेंटेज तो टोटल कैपिटल फोर्टी परसेंट ज्यादा डेप नहीं होना चाहिए तो इसमें काफी सारा साइंस इन्वॉल्व है इतना ईजी नहीं है ये राइट तो सीएफओ का काम क्या है फाइनेंशियल एसेट बेच के पैसा उठाएगा जो भी प्रॉमिस किया वो उसका कॉस्ट बन जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ रेजिंग फंड बोरोइंग को फिक्स पेमेंट देना ही पड़ेगा शेयर होल्डर को प्रॉफिट का शेयर देंगे डिविडेंड देंगे अगर इनका एक्सपेक्टेशन तुम लोग मीट नहीं कर पाएगा तो ये लोग बेचने आ जाएगा मार्केट में ये लोग बेचने आ गया मार्केट में अगर कोई खरीदने वाला नहीं हुआ शेयर प्राइस गिरते जाएगा 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 और फिर

डेढ़ करोड़ में पूरा स्ट्रक्चर रेडी करो और पचास लाख रुपए स्टॉक खरीदो तो दोनों में इन्वेस्ट करना है रियल एसेट्स में भी वर्किंग एसेट्स में भी स्टॉक तो लोग चाहे तो एक करोड़ का भी खरीद सकते हैं अपने औकात से बाहर लेकिन औकात से बाहर खरीद के क्या होगा पैसा फंसाएंगे क्यों क्या तुम्हारा सारा माल एक दिन में बन जाएगा क्या तुम्हारा सारा माल एक दिन में बिक जाएगा नहीं थोड़ा सा माल खरीदो बनाओ बेचो पैसा आएगा फिर बनाओ बेचो पैसा आएगा फिर बनाओ बेचो पैसा आएगा मतलब थोड़ा सा मनी से आज हम पांच लाख रुपया का कैपिटल से 500 करोड़ का सेल कर सकते हैं पांच लाख का कैपिटल से भी हम पांच करोड़ का सेल कर सकते हैं हर घंटे में मैं एक चक्का घुमा रहा हूं माल खरीदा बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा घूम घूमे जा रहा है मेरा चक्का हर चक्का के बाद में एक डोज ऑफ प्रॉफिट एड हो रहा है तो कितना वर्किंग एसेट्स में इन्वेस्ट करना यह भी एक कला है इसको अपने बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या बोलेंगे इसको और कहा इन्वेस्ट करना है ये आप लोग पढ़े इनिशियल अप्रेजल कैपिटल बजटिंग अगर एनपीवी पॉजिटिव है आईआईआर अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है पे अगर तीन साल में हो गया देर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी जज की विच 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 इन्वेस्टमेंट इज फ्रूटफुल फिर अपने उसमें सीनारियो एनालिसिस करते हैं कि गुड अगर हुआ बैड अगर हुआ सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया तो तुम्हारे एनपीबी पे क्या फर्क पड़ेगा जो कैश फ्लोस है वो तो अपने फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं ना किसी भी प्रोजेक्ट में मैं जब पैसा लगाता हूं तो फ्यूचर में फोरकास्ट करते हैं तो कैश फ्लोस अगर प्लस माइनस डेविएट हो तो तुम्हारे एनपीवी पे क्या फर्क पड़ेगा सेंसिटिविटी एनालिसिस बोलते हैं उसको एंड देन डिविडेंड डिसीजंस तो एफ का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सीएफओ हैज मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटी विच सोर्स टू बोरो हाउ मच टू बोरो वॉट टाइम टू देखना बहुत सारा कंपनी इश्यू ऑफ शेयर इंस्टॉलमेंट में लेके आती है कि दस रुपए का शेयर आप मेरे को अभी दो रुपए दीजिए फिर आप मेरे को और दो रुपए दीजिए फिर मेरे को आप और दो रुपए दीजिए फिर आप मेरे को और दो रुपए दी, दी, दीजिए आजकल काफी सारा बड़ा बड़ा म्यूचुअल फंड जिसको ए आई एफ बोलते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड वो लोग भी इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहे हैं तो सी एफ ओ का रोल समझा हाँ अभी जिसने डाउट पूछा था आपको समझ में आया द रोल ऑफ सी एफ ओ मानसी ओके तो CFO का रोल एक नहीं है काफी सारा है क्विकली थोड़ा नोट कर लीजिए सोर्सेस ऑफ फिनेंस किधर से बोरो करना है कितना बोरो करना है मिक्स क्या होगा राइट right? मिक्स के बारे में भी बात करेंगे हम लोग कि इक्विटी कितना होना चाहिए डेप्ट कितना होना चाहिए मैक्सिमम डेप्ट अपने को मालूम है फोर्टी परसेंट ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से नहीं हो सकता हर हर कंट्री का अपना एक एजर्शन लेवल होता है उसको मैच करना पड़ेगा देन सोर्सेज ऑफ फिनेंस हो गया इन्वेस्टमेंट कहां करना है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देन डिविडेंड प्लानिंग राइट right? काफी लोग फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस में भी होते हैं फॉरेक्स मैनेजमेंट होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जितना भी फाइनेंस रिलेटेड काम है ना सब ये लोग करेगा ऐसा मेरा सीएफओ का रोल है बहुत सारी कंपनी में सीएफओ नहीं होता तो ट्रेजरर करता है ये सब काम ये जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, दे देंगे उसको करना पड़ेगा सो बेसिकली इन टूडे सेशन आई जस्ट गेव यू अ स्नैपशॉट फाइनेंशियल एसेट्स किसको बोलते हैं रियल एसेट्स किसको बोलते हैं राइट वेन एवर यू रेस फंड यू गेट यू प्रोमिस समथिंग दैट्स द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड जहां भी आप इन्वेस्ट करेंगे यू हैव टू मिनिमम अर्न इसको इसको अपने हडल रेट भी बोलते हैं ये जो है ना इसको वी कॉल इट एज हडल रेट इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न इतना तो कम से कम कमाना ही पड़ेगा राइट right? सो so मैंने आपको बेसिकली बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया दिया हाउ थिंग्स ऑपरेट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर कौन होता है उसका रोल क्या रहता है दोस्त चार्दित गवर्नेंस शेयर होल्डर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है देन आई स्पोक अबाउट बिट ऑफ फाइनेंस कि फाइनेंस कॉम देखता है उसका रोल कैसे होता है कंपनी में फाइनेंस मैनेज फाइनेंशियल एसेट्स बेचा पैसा आया रेस किया प्रॉमिस दिया वो कॉस्ट बन गया तुम्हारे लिए जहां इन्वेस्ट करोगे वहां देख के इन्वेस्ट करना कि एनपीवी पॉजिटिव होना चाहिए आईआईआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए राइट इसको इनिशियल अप्रेजल बोलते हैं पे बैक पीरियड कितना चाहिए आपको राइट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पैसा जब आ जाए कमा लो तो डिविडेंड कितना बांटो राइट इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे सो नेक्स्ट क्लास वील बी टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग पार्ट चैप्टर नाइन तो आज आपका टास्क यही है कि आप चैप्टर वन को पूरा अच्छे से रीड करेंगे हम लोग दो वीडियो अपलोड करेंगे एक आई एफ ओ ए के लिए जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव uh, uh, के बारे में वी विल डिस्कस की वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम एंड देन वी विल ऑल्सो रिलीज चैप्टर वन का वीडियो ठीक है सो ये नेक्स्ट क्लास तक ये देख के आना है बाय